खुश आमदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज में खैर मकदम है। माहिरा नामी एक खातून जो कि किला गोलकुंडा की रहने वाली है, उनका वीडियो दो दिन से वायरल हो रहा है, जो कि उनके हस्बैंड और सास ससुरे के जुल्म को लेकर जैसे कि अपने मीडिया में दिखाया गया है कि, और हम तमाम न्यूज चैनल वालों से गुजारिश करते हैं कि न्यूज दो साइड से डाले। आज हम आपको उसके एक पार्ट बताने वाले हैं जो कि माहिरा के इल्जामों का शिकार है। उनके हस्बैंड मोहम्मद समी कुरैशी को विकाराबाद में रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जो कि माहिरा ने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर गलत है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्योंकि घर है जहाँ मियाँ बीवी है वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, और मीडिया से भी दरख्वास्त की बगैर कोई तहकीकात के कोई वीडियोस अपलोड ना करें। हालांकि मीडिया को चाहिए था कि वो इनके शौहर को कॉल करते हुए उनसे तमाम तर मालूमात हासिल करें और सच का पता लगाने की कोशिश करें। आवाम की आवाज़ मीडिया होती है, ना कि आवाम की इज्जतों को उछालने वाले, और मियां बीवी के मसले चार दीवारी में ही ख़त्म कर लेने चाहिए, ना कि मीडिया में आकर इस तरह किसी की इज्जत को उछालना चाहिए। उनके शौहर ने कहा कि उन्हें समझ नहीं था कि माहिरा इस तरह की हरकत करेंगे, और माहिरा ने उनसे खुला का भी मुतालबा किया था लेकिन उन्होंने माहिरा को खुला देने से इनकार कर दिया था। इससे वो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने का इन्होंने बात जाहिर की और आखिर में कहा कि सबको अल्लाह से डरना चाहिए। झूठ बोलने से पहले पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि माहिरा के घर वालों से उनकी जान को खतरा है क्योंकि उनके साले क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस है, और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार उनकी बीवी और उनके घर वाले ही होंगे। हम तमाम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी घरेलू मसले मसाइल हैं अपने अपने घरों में उलमाए दीन से रुजू होकर या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर हल करें। इस तरह मीडिया में आकर अपनी अपनी इज्जतों को ना उछाले, और मीडिया के तमाम भाइयों से भी गुजारिश है कि किसी की इज्जत को उछालने से पहले 100 बार सोचे। आपकी एक न्यूज की वजह से कितने लोगों के रिश्तों में दरार पड़ सकती है और कितने खानदानों में दरार पड़ सकती है, आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात। पेश है एनडी टुडे न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद समी कुरैशी, मैं मोहम्मद आशम कुरैशी का बेटा, विकाराबाद में रहता हूँ। कल जो वीडियो वायरल हो रहा था माहिरा हमारे वाइफ है, वो सरासर गलत वीडियो डाल दिए मीडिया वाले, आके इंक्वायरी करे नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट वीडियो डाल दिया 4 साल से हरासमेंट कर रहे बोल के। 4 साल से हरासमेंट कर, 2 बच्चे के क्यों पैदा होते थे मेरे को, सब गलत है। आप लोग आके विकाराबाद में इंक्वायरी करिए हमारे बारे में, 4 साल से हरासमेंट कर रहे बोल के गलत है ये बात, हमारी बीवी बोले सो। और मीडिया वाले भी क्या है, उनके सुन के डाल दिया, मेरा भी सुनना ना, वन साइड सुन के कैसे डालते न्यूज़, ऐसा मत डालिए मेरे भाई बड़े भाई, ऐसा मत डालिए न्यूज़, सब दो साइड का सुन के डालिए आप लोग। मतलब आपके वाइफ का कहना है जो वीडियो में उन्होंने बताया कि आप पी के आके उनको मारते, टॉर्चर करते और गलत गलत इल्जाम लगाते हैं, आप और आपके वालिद साहब, आपके वालिदा पूरे नहीं, ये सब गलत है। आप लोग आके इंक्वायरी कर ले सकते हैं विकाराबाद में जी, ये सब झूठ है ये बात। और बच्चों के ताल्लुक से भी आप लापरवाही करते हो? नहीं, अरे उतना चाह तो मेरे बच्चों को मैं पूछ ले सकते ये भी बात। तो मतलब आपका कहना है कि आपके जो वाइफ जो स्टेटमेंट दी वो पूरा गलत है? पूरा गलत है, 101% गलत है जी। आप लोगों के बीच में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं? कुछ नहीं, हर मियाँ बीवी के झगड़े होते रहते ना भाई जी, वही है। तो वहाँ जाके बैठ गए तो उनके भाई आए, बात बताती हूँ तेरा। अभी वह आपके वाइफ आके इधर कितने दिन हो गए? 1.5 महीना हुआ। मतलब 1.5 महीने से आपके पास नहीं आए? कुछ क्राइम, परसों मैं गया था, चलो बुला के लेंगे बोल के, नहीं आए तो बच्चे को लेके जाता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है, 2 दिन कैसे लिख जाओ बोल के। बहुत उनका भाई शफी है ना, जो छुरियाँ उड़िया ने ले लेके मेरे पीछे पड़ा था, बच्चों को ले लेके मैं भाग के आ गया उधर से। ठीक है, अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके वाइफ तो खुला का मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देना चाह रहा खुला, मेरे बच्चे छोटे छोटे, खुला की ज़िंदगी ख़राब हो जाती ना जी। तो मतलब आपके वाइफ का कहना है कि फिर आप मारते ही करते ये तमाम, ये सब गलत है, गलत है वादियाँ ना। अल्लाह गवाह, अल्लाह के पास, हर किसी को अल्लाह के पास जाने का अपने खबर का जवाब देते छोटे वादा नहीं बोलना समझे। तो बच्चे आप जो लेके आए थे फिर आप? मैं दे दिया, SSR फ़ोन करे थे तो ठीक है बोल के लिख जाके दे दिया। मतलब कौन दिया, आप दिए या फिर? नहीं, हमारे भाई से भिजाया कर जी। मेरे को बुखार आया था ना, और मेरे को तबीयत खराब रहती है, हमारी बीवी घर मेरे को देखने को भी नहीं है। आखिर में मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता,
चार दीवारी में बैठ कर सुलझा लेना। ये क्या है, मीडिया में आके बोल दिया, पूरा वायरल कर दे रहे, पूरी बेइज्जती, मर्द बच्चों की बेइज्जती। लोग क्या समझते हैं, औरतें मर्द की गलती है समझते? एक हाथ से थाली तो नहीं बचती ना। आप लोगों से भी गुजारिश है मीडिया वालों से कि दो साइड की न्यूज़ सुन के डालिए भाई, ऐसा मत डालिए, मर्द बच्चे बदनाम हो जा रहे इसके अंदर। औरतों की जबान दिखती नहीं, हमारे हाथों दिखते खाली आप लोगों, दूसरा कुछ भी नहीं।